फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार शर्मा आप सभी का गुड विल लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, इसमें हम अब तक जो है क्लास 9th में इंग्लिश प्रोज में तीन चैप्टर नंबर 2 काबले वाले के तीन पैसेज कर चुके थे, बल्कि फोर्थ पैसेज आधा जो है हो चुका था। अब ये उस जो शेष पैसेज बचा हुआ है इसको देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। इसमें कह रहा है कि अमंगेस्ट मैन ऑफ द काबुलीवाला क्लास, काबुलीवाला की श्रेणी के व्यक्तियों में, लोगों में, हावेवर हालांकि इट इज़ वेल नोन, यह अच्छी तरह से जाना जाता है दैट द वर्ड्स, क्या जाना जाता है दैट द वर्ड्स फादर इन लॉज हाउस, कि जो फादर इन लॉज हाउस जो ससुराल नामक जो शब्द हैं हैव ए डबल मीनिंग, जो ससुराल से जुड़े हुए जो शब्द हैं, ठीक है, ससुराल शब्द जो है उसका जो है दोहरा मीनिंग होता है, डबल मीनिंग होता है। इट इज ए यूफेमिज्म फॉर जेल, या जेल का ही जो है एक पर्याय शब्द है, जेल से जुड़ा हुआ, जेल की तरह का ये एक शब्द है यूफेमिज्म, ठीक है। ये फादर इन लॉ हाउस जो है वो जेल से ही मिलता जुलता जो है एक शब्द है। द प्लेस वेयर वी आर वेल केयर फोर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हमारी जो है अच्छे से देखभाल की जाती है, केयर फोर्ड देखभाल करना, एट नो एक्सपेंस टू अवर सेल, और हमारे ऊपर कोई भी खर्च नहीं किया जाता है। इन दिस सेंस, इस संदर्भ में, वुड द स्टडी पैडलर, स्टडी जो है मजबूत कद काठी वाला पेडलर व्यापारी, इस संदर्भ में जो मजबूत कद काठी वाला जो फेरी वाला जो व्यक्ति है वो जो है मेरी पुत्री के क्वेश्चन को लेता है, टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन, मेरी पुत्री के क्वेश्चन को जो है सुनता है, लेता है। हाँ, ही वुड श्योर, वह कहता है, शेकिंग, हिलाते हुए, हिच फिस्ट, अपने मुक्के को हिलाते हुए, एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, एक अदृश्य, इनविजिबल जो है अदृश्य या अकाल्पनिक, और पुलिसमैन है पुलिस वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार जो है वह जो काबले वाला है वह अपने मुक्के को एक अदृश्य पुलिसमैन की तरफ हिलाते हुए कहता है, आई विल ट्रेस, मैं मार दूंगा, ट्रेस मारना, माई फादर इन लॉ, मैं अपने ससुर को मार दूंगा। हियरिंग दिस, यह सुनकर, एंड पिक्चरिंग द पुअर डिसकम्फिटेड रिलेटिव, यह सुनकर, और उस बेचारे परेशान अकाल्पनिक, जो उस बेचारे परेशान काल्पनिक रिश्तेदार की जो है पिक्चर जो है चित्र अपने माइंड में बनाते हुए, मिनी कुड गो ऑफ इन टू पील्स ऑफ लाफ्टर, पील्स ऑफ लाफ्टर का मतलब होता है जोर की हंसी, मिनी जो है बहुत जोर की हंसी हंसती है, इन विच हर फॉर्मिडेबल फ्रेंड्स वर्ड जोन, और जो उसका डरावना जो दोस्त है काबली वाला वह भी उसके साथ हंसने लगता है। दीज वर ओटम्स मॉर्निंग, दीज वर ओटम मॉर्निंग, यह जो है सर्दी की, वो पतझड़ की सुबह थी, द वेरी टाइम ऑफ ईयर वैन किंग्स ऑफ ओल्ड वेंट फॉर टू कन्क्वेस्ट, द वेरी टाइम, यह वो समय होता है ऑफ ईयर, वह साल का जो है ये वो समय होता है वैन, जब किंग्स ऑफ ओल्ड, जो पुराने समय में जो राजा होते थे, वेंट जाते थे फोर्थ टू कन्क्वेस्ट, जो जो है विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते थे, वेंट फॉर जो है आगे बढ़ना, ठीक है। एंड आई, और मैं, नेवर स्ट्रिंग, नेवर कभी नहीं, स्ट्रिंग जो है हिले बिना, मैं जो है कभी भी बिना हिले, फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कलकत्ता, और मैं कैलकटा के छोटे से कॉर्नर से बिना हिले हुए, वुड लेट माई माइंड वांडर ओवर द होल वर्ल्ड, मैं अपने माइंड को वांडर जो है भ्रमण कराता था ओवर द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व का जो है मैं भ्रमण करा देता था, एट द वेरी नेम ऑफ अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश का नाम सुनते ही माई हार्ट वुड गो आउट टू इट, मेरा जो दिल है, मेरा जो मन है, वो जो है बाहर वहीं पर, सीधा वहीं पर उसके पास ही, उस देश में ही पहुंच जाता है। एंड एट द साइट ऑफ द फॉरेनर इन द स्ट्रीट, और गली में, फॉरेनर विदेशी, साइट झलक, और गली में, गलियों में किसी विदेशी को की झलक देखकर या उसको देखकर, आई वुड फॉल टू वीविंग ए नेटवर्क ऑफ ड्रीम्स, आई वुड फॉल टू वीविंग, वी बनाना ए नेटवर्क, जाल ऑफ ड्रीम्स, सब स्वप्न का, तो मैं जो है सपनों का एक जाल बुनना शुरू कर देता हूँ। द माउंटेन्स, द ग्लेन्स, यानी एंड द फॉरेस्ट ऑफ हिज डिस्टेंट होम, वो कह रहा है कि जब पर्वत एंड द घाटियाँ, और फिर जो है जंगलों में दूर, बहुत जंगलों में दूर, बहुत ज़्यादा दूरी पर बसे हुए उसके घर के बारे में,
विद हिज कॉटेज इन इट सेटिंग, उसके द्वारा बनाई गई झोपड़ी के बारे में, एंड द फ्री और मुक्त एंड इंडिपेंडेंस और स्वतंत्र लाइफ के बारे में जो है मैं कल्पना करने लगता हूँ। फिर आगे कह रहा है, परहैप्स परहैप्स आया द सीन्स ऑफ ट्रेवल कंजर देमसेल्फ अप बिफोर मी। कह रहा है कि यात्रा का जो दृश्य है, शायद यात्रा का जो दृश्य है कंजर जो है उभर के आता है देमसेल्फ अपने आप ही बिफोर मी, मेरे सामने। वो कह रहा है कि यात्रा का जो दृश्य है वो मेरे सामने अपने आप ही उभर कर आता है। एंड पास एंड रिपास, पास गुजरना रिपास पुनः गुजरना, और वह बार बार जो है गुजरता है इन माई इमेजिनेशन ऑल द मोर विविड, और वह स्पष्ट रूप से और ज़्यादा स्पष्ट रूप से मेरी कल्पनाओं में जो है वो बार बार गुजरता है। बिकॉज क्योंकि आई लेड सच ए वेजिटेबल एग्जिस्टेंस, क्योंकि मैं एक ऐसी प्रकृति वाला आदमी हूँ, एक ऐसी प्रकृति वाला व्यक्ति हूँ, या फिर एक ऐसी हरे भरे अस्तित्व वाला, हरे भरे जीवन वाला व्यक्ति हूँ, दैट ए कॉल टू ट्रेवल, जो ए कॉल टू ट्रेवल वुड फॉल अपॉन मी लाइक ए थंडर बोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रकृति वाला मैं व्यक्ति हूँ कि जो एक कॉल पुकार टू ट्रेवल, यात्रा की जो पुकार है वुड फॉल अपॉन मी, मेरे सामने लाइक ए थंडर बोल्ट, बिजली की गर्जना के समान जो है होती है। ठीक है, यात्रा के, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यात्रा के बारे में सोचना ही, यात्रा करने के बारे में सोचना है मेरे सामने या मेरे लिए जो है थंडर बोल्ट होता है, बिजली की गर्जना, बिजली की चमक, बिजली की गर्जना के समान होती है। ठीक है, Thank you.